सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन डिग्री टू अनदर। तो आज का जो हेडिंग रहेगा, हेडिंग वही रहेगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, मेन हेडिंग यही रहेगा और सब हेडिंग क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन डिग्री टू अनदर। मतलब अगर आप लोगों को कोई सेंटेंस दिया गया, वो सेंटेंस अगर किसी एक डिग्री में है तो आप उसको दूसरी और तीसरी डिग्री में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो देखो, अभी तक हमने देखते आए हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस को चाहे एक टेंस से दूसरे टेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक वॉइस से दूसरे वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, या एक नरेशन से दूसरे नरेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी सेंटेंस को एक डिग्री से दूसरी डिग्री में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको यहां पर लिखने हैं। ठीक है, चलो, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नंबर वन, इफ इन अ सेंटेंस वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ अनदर थिंग, देन यू कैन ट्रांसफॉर्म दैट सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री और फ्रॉम कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, बट नॉट इन द सुपरलेटिव डिग्री। पहले समझ लो फिर लिखना। दिया गया सेंटेंस क्या कहता है कि अगर दिए गए सेंटेंस में एक चीज की तुलना दूसरी एक चीज से की गई है, मतलब दोनों सिर्फ दो चीजों के बारे में बात हो रही है, अगर किसी सेंटेंस में एक की तुलना किसी दूसरी एक चीज से की गई है, तो ऐसे समय अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो आप उसको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कर सकते हो, और अगर दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो आप उसको कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कर सकते हो, लेकिन आप उसको सुपरलेटिव डिग्री में नहीं कर सकते। कब की बात, जब सेंटेंस में एक की तुलना एक से की गई हो। आई बात समझ में, एक की तुलना एक से की गई हो तो आप उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर सकते हो, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो, लेकिन सुपरलेटिव नहीं कर सकते।
आई बात समझ में? ओके, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? इफ इन अ सेंटेंस वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ अनदर थिंग, अनदर का मतलब होता है एक और, अगर कभी किसी सेंटेंस में एक चीज का कंपैरिजन दूसरी एक चीज से किया गया हो, यानी सेंटेंस में टोटल कितनी चीजें, दो, एक ये और एक ये, अगर एक की तुलना एक से की गई हो, एक का कंपैरिजन एक से किया गया हो दूसरे, टोटल दो चीजों की बात हो रही हो, तो ऐसे समय में अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो आप उसको कंपैरेटिव कर सकते हो, कंपैरेटिव में है तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो, लेकिन सुपरलेटिव नहीं कर सकते। सुपरलेटिव करने के लिए आपको मिनिमम तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, दो चीजों का कंपैरिजन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉटल है ना और ये एक पेन, ये दोनों कितनी चीजें है, टोटल टू है ना, तो एक की तुलना एक से की गई है, तो अगर इनके बारे में कोई सेंटेंस आता है और वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो आप उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर सकते हो, और अगर कंपैरेटिव डिग्री में है तो आप उसको कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो, लेकिन सुपरलेटिव नहीं कर सकते। इतना आपको समझ में आया क्या? ओके ओके, अब देखो दूसरा रूल क्या कहता है, इफ इन अ सेंटेंस वन थिंग इज कंपेयर्ड विथ अनदर थिंग देन यू हैव टू एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ बोथ द थिंग्स इन द सेंटेंस। दूसरा रूल पहले समझ लो, अगर किसी सेंटेंस में एक चीज की तुलना दूसरी एक चीज से, जैसे पहले सेंटेंस में था, एक चीज की तुलना किसी दूसरी एक चीज से की गई है, तो जब आप उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव करते हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव करते हैं, तो डिग्री को चेंज करते समय आपको दोनों की जगह को अदल बदल करना पड़ेगा। जैसे चेंज द वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, उसी तरीके से अगर किसी चीज की, अगर कोई चीज स्टार्टिंग में है तो डिग्री चेंज करते समय वो लास्ट में चली जाएंगी, जो चीज लास्ट में है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगी। ये दोनों भी रूल्स जो है हम लोग एग्जाम्पल में और अच्छे से समझेंगे, पहले आप लोग ये रूल्स लिख लो, ठीक है, लिखो जल्दी। चलो बढ़ते हैं हमारे तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल देखो क्या कहता है, इफ इफ the sentence of positive degree is affirmative then the sentence of comparative degree will be negative and if the sentence of positive degree is negative
देन द सेंटेंस ऑफ कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री विल बी अफर्मेटिव. पहले लिख लो फिर समझा देता हूं. अच्छा ठीक है, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो. अगर दिए गए सेंटेंस में जो सेंटेंस है वो अगर पॉजिटिव डिग्री में है और वो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और वो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो जब हम उसका कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस रहेगा, हमको नॉट नो वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा. और अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और वो सेंटेंस निगेटिव है मतलब नो नॉट वाले शब्द उसमें है तो जब हम उसका कंपैरेटिव करते हैं तो हमको उसको अफर्मेटिव करना पड़ता है. इतना आपको समझ में आया क्या? एग्जाम्पल के साथ हम और देखेंगे. हाँ, जब बेटा एग्जाम्पल्स लेंगे ना हम लोग, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो नीचे का लिखकर हो गया सबका. चलो अब फोर्थ रूल देखते हैं. फोर्थ रूल क्या कहता है? इफ द सेंटेंस इज इन सुपरलेटिव डिग्री विथ द वर्ड्स वन ऑफ इन इट देन वी हैव टू यूज the words very few in the positive degree and most other in the comparative degree. देखो चौथा रूल क्या कहता है कि अगर दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है, और अगर उस सेंटेंस में वन ऑफ ये शब्द आए हैं तो जब आप उस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री करते हैं तो आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे वेरी फ्यू, और जब आप उसका कंपैरेटिव करेंगे तो तब आपको यूज करना पड़ेगा मोस्ट अदर. ठीक है, एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे. और लास्ट रूल लिख लो. ठीक है, एक बार मेरे को फिफ्थ लिखने दो, फिर फिफ्थ फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक साथ डिस्क्राइब कर दूंगा मैं. If the sentence is in superlative degree with the words
ऑफ ऑल इन इट देन वी हैव टू यूज द वर्ड्स नो अदर इन द पॉजिटिव डिग्री एंड एनी अदर इन द कंपैरेटिव डिग्री। ये दोनों रूल्स आप लोग पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझा कर देता हूं। अब देखो चौथा और पांचवा दोनों रूल्स मैं आपको समझा देता हूं, बस ये पांच ही रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। फोर्थ रूल कहता है कि अगर दिया गया सेंटेंस, देखो फोर्थ रूल क्या कहता है, इफ द सेंटेंस इज इन सुपरलेटिव डिग्री विद द वर्ड्स वन ऑफ इन इट देन वी हैव टू यूज द वर्ड्स वेरी फ्यू इन द पॉजिटिव डिग्री एंड मोस्ट अदर इन द कंपैरेटिव डिग्री। अगर दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है और अगर वर्ड्स यूज किए गए हैं वन ऑफ, ये वर्ड्स अगर आ गए हैं, ठीक है, तो जब हम उस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री करते हैं तो आपको सेंटेंस में यूज करना है वेरी फ्यू, और जब हम उसका कंपैरेटिव करते हैं तो आपको सेंटेंस में यूज करना है मोस्ट अदर। अब ये कैसे यूज होते हैं वो हम सेंटेंस में देखेंगे, ठीक है। लास्ट रूल कहता है इफ द सेंटेंस इज इन सुपरलेटिव डिग्री विद द वर्ड्स ऑफ ऑल इन इट वी हैव टू यूज द वर्ड्स नो अदर इन द पॉजिटिव डिग्री एंड एनी अदर इन द कंपैरेटिव डिग्री। और अगर दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है और सुपरलेटिव के उस सेंटेंस में शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं ऑफ ऑल, तो जब आप उसका पॉजिटिव करते हैं आपको वर्ड्स यूज करना है नो अदर, और जब आप उसका कंपैरेटिव करते हैं आपको वर्ड्स यूज करना है एनी अदर, ठीक है। अब देखो ये रूल्स कैसे यूज होते हैं, ये हम लोग जब एग्जांपल्स लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल्स ले ले हम लोग, ये आपको समझ में आ गए हैं रूल्स, ओके। तो चलो अब हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स लेंगे, सिंपल से एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि रूल नंबर 1 to 5 हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल, राम इज एज गुड एज श्याम, सिंपल सा एग्जांपल। अब देखो अभी तक हमने जितना ग्रामर देखा हमने क्या किया, हमने जैसे हमको सेंटेंस मिलता था हम सबसे पहले वर्ब पर अटैक करते थे, यहां आपको वो नहीं करना है। यहां आपको सबसे पहले ये देखना है दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में, इसके लिए आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे बताओ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, गुड, और गुड के साथ देखो एज आया है। अब ये एज गुड एज है इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, वेरी गुड, तो इसके सामने यहां पर लिख दो ऐसे पॉजिटिव डिग्री। ये हो गया सबसे पहला काम। उसके बाद आपको ये देखना है दिए गए सेंटेंस में किसकी तुलना किससे की गई है। देखो यहां पर राम जो कि एक पर्सन है इसकी तुलना श्याम जो कि एक पर्सन है इससे की गई है, मतलब पूरे सेंटेंस में टोटल कितने लोग हैं, टू, दो है ना। मतलब हमारा पहला रूल क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में एक की तुलना सिर्फ एक से की गई है, मतलब टोटल दो लोग हैं, तो आप उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर सकते हो और कंपैरेटिव से आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो, लेकिन सुपरलेटिव नहीं कर सकते। अब ये दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव में है मतलब हमको इसको किस में करना है, कंपैरेटिव में। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो यहां लिखना सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो दूसरा रूल क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में एक की तुलना एक से की गई है तो दोनों की जगह अदल बदल हो जाती है, लिख कर दिया है,
मतलब राम चला जाएगा श्याम की जगह और श्याम आ जाएगा राम की जगह। मतलब हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा? वेरी गुड, श्याम से। यस, अब यहां पर आपको वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है, टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर इज है, आप यहां भी इज ही लिखो, ठीक है। तीसरा रूल कहता है अगर किसी सेंटेंस में एक की तुलना एक से की गई है तो अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री को निगेटिव करना पड़ेगा, और अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव करना पड़ेगा। यहां पर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आप यह बताओ दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? अफर्मेटिव। तो फिर कंपैरेटिव डिग्री का हमारा सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव की निगेटिव? निगेटिव। कैसा होगा? निगेटिव। तो हमको यहां नॉट लगाना पड़ेगा श्याम के बाद, श्याम इज नॉट, है ना। अब देखो हमको एडजेक्टिव्स को भी चेंज करना पड़ेगा। गुड है तो गुड के बदले क्या यूज करना पड़ेगा हमको? सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, बेटर। और बेटर के बाद कौन सा वर्ड आएगा? देन, बेटर देन। और लास्ट में आ जाएगा हमारा राम। तो यहां देखो हमने तीन रूल्स को फॉलो किया, हमने तीन रूल्स को फॉलो किया। सबसे पहले एक की तुलना एक से है तो हमने पॉजिटिव था, कंपैरेटिव किया। अब ये सुपरलेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक की तुलना एक से ही है। दूसरा रूल, एक की तुलना एक से थी, राम शुरू में था श्याम लास्ट में था, हमने श्याम को यहां स्टार्टिंग में रखा और राम को लास्ट में कर दिया, दूसरा रूल। तीसरा रूल, हमारा दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में था और सेंटेंस अफर्मेटिव था, इस वजह से जब हमने उसका कंपैरेटिव किया तो कंपैरेटिव में हमारा सेंटेंस निगेटिव हो गया। आई बात समझ में? अब आप बोलेंगे सर कि ये इतनी सारी सर्कस जो हमने की ये क्यों की? तो देखो जब भी आप सेंटेंस को एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब ऐसा समझ लो आपकी ये राम है और ये श्याम है, फॉर एग्जाम्पल ये राम है और ये श्याम है। अब ये दोनों को मैंने ऐसे पकड़ के रखा, ठीक है। ये सेंटेंस कहता है कि ये राम जितना अच्छा है ना उतना ही अच्छा ये श्याम है, यानी दोनों कैसे है? अगर हम 100% की बात करते हैं तो राम भी 70% अच्छा है और श्याम भी 70% अच्छा है, मतलब ये दोनों इज इक्वल टू हुए ना, है ना। इसी का मतलब ये है कि इन दोनों में कोई भी ज्यादा या कम अच्छा बुरा नहीं है, दोनों एक जैसे है। तो हमने देखो जब कंपैरेटिव में इसको किया तो कंपैरेटिव में सेंटेंस का मतलब क्या बना? श्याम इज नॉट बेटर देन राम, श्याम राम से ज्यादा अच्छा नहीं है बल्कि राम के जितना ही अच्छा है। तो ये आपको समझ में आया क्या? ओके, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। ओके, दूसरा एग्जाम्पल। हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकता है, पूछना है किसी को? पौने तीन। हाँ बेटा, सर वो कंपैरेटिव और निगेटिव का बताया था ना सर? हाँ, वो कंपैरेटिव में किसी, हाँ बोलो 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 साहिली, वो आपने ना सर एज गुड एज और सो गुड एज, एज गुड एज और सो गुड एज, बराबर। मैंने क्या बोला था? अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सेंटेंस में आएगा एज एज, और अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है लेकिन सेंटेंस निगेटिव है तो सेंटेंस आएगा सो एज। अभी मैं वही एग्जांपल लेने वाला था। देखो पहला हमने एग्जांपल लिया जिसमें पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव था, अब हम सेंटेंस लेंगे जिसमें पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव होगा। ओके, देखो
कुतुब मीनार इज नॉट सो फेमस एज ताजमहल. कुतुब मीनार इज नॉट सो फेमस एज ताजमहल. मैं आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको एडजेक्टिव देखना है और देखना है दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है. तो यहां देखो सो फेमस एज, ये शब्द हमको बताते हैं कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में. कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में. तो यहां हम लिख देंगे पीडी, पॉजिटिव डिग्री. लेकिन सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है. सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है. क्यों, क्योंकि नॉट आ गया है, इसलिए ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है. अब यहां भी देखो ये कुतुब मीनार एक, इसकी तुलना हो रही है ताजमहल एक से. मतलब यहां भी हम इस सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव तो कर पाएंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी कर पाएंगे, लेकिन सुपरलेटिव नहीं कर पाएंगे. सुपरलेटिव यहां पे हम नहीं कर पाएंगे. पॉजिटिव से कंपैरेटिव भी होगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि एक की तुलना एक से, लेकिन सुपरलेटिव होगा क्या, नहीं होगा. ठीक है, तो देखो अब ये दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, तो जाहिर सी बात है कि हमको इसको कंपैरेटिव में करना है. ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे हमारे आंसर में कंपैरेटिव डिग्री. अब कंपैरेटिव का आंसर जब हम लिखेंगे तो हमको तीन रूल्स फॉलो करने हैं. पहला क्या रूल है, पहला कि अगर एक की एक से तुलना है तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव होगा, पहला. दूसरा, अगर एक से एक की तुलना है तो दोनों की जगह जो है वो अदल बदल होगी. मतलब कुतुब मीनार की जगह ताजमहल आ जाएगा और ताजमहल की जगह कुतुब मीनार. तो यहां पर हमारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, कुतुब मीनार से कि ताजमहल से, ताजमहल से. वेरी गुड, ताजमहल. मैंने आपको बताया कि वर्ब चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका इजी रहेगा. ठीक है, अब देखो दिया गया सेंटेंस निगेटिव है, पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन दिया गया सेंटेंस निगेटिव है. तो जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमको सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, मतलब इस नॉट को हमको कट कर देना पड़ेगा, है ना. और जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का हमको सेकेंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा. तो सो फेमस एज के बदले क्या हो जाएगा, मोर फेमस दैन, दैन. और लास्ट में आ जाएगा कुतुब मीनार. अब देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या बना, दिए गए सेंटेंस का मीनिंग क्या है और हमने जो सेंटेंस बनाया उसका मीनिंग क्या है. ध्यान से देखो, कुतुब मीनार इज नॉट सो फेमस एज ताजमहल. कुतुब मीनार ताजमहल जितना फेमस नहीं है, मतलब ताजमहल ज्यादा फेमस है, ताजमहल कुतुब मीनार से ज्यादा फेमस है. आप देखो बाहर के लोग जब इंडिया देखने आते हैं तो ताजमहल देखने पहले जाते हैं, कुतुब मीनार भले बाद में देखते होंगे, लेकिन मेन जो वो देखने जाते हैं वो ताजमहल देखने जाते हैं. तो हमने जो आंसर बनाया उसमें हमने क्या लिखा, ताजमहल इज मोर फेमस देन कुतुब मीनार. ताजमहल जो है वो कुतुब मीनार से ज्यादा फेमस है. मतलब दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एक जैसा है. इतना आपको समझ में आया. देखो दोनों एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, दोनों भी जो सेंटेंसेस है वो पॉजिटिव डिग्री में है. पहला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है और दूसरा जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस है. तो पहले हम लोग पहले वाले सेंटेंस को देख लेते. राम इज एज गुड एज श्याम. जब भी आप लोगों को डिग्री ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई सेंटेंस दिया जाए, सबसे पहले यह देखो कि वो दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है. और इसके लिए हमारी मदद कौन करेगा, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है गुड, जो आया है एज एज के साथ. इससे हमको दो बातें पता चली, पहला दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, दूसरा दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है. क्योंकि अगर निगेटिव होता तो यहां नॉट आता और सो गुड एज आता. तो एज गुड एज से हमको दो बातें पता चली, पहली ये कि दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है,
और दूसरा कि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमको पता चलता है कि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, एक की तुलना एक से की गई है, मतलब आप इसको कंपैरेटिव कर सकते हो, सुपरलेटिव नहीं कर सकते। तो जब आप इसको कंपैरेटिव करोगे तो कंपैरेटिव करते समय हमारा पहला रूल वहीं पर अप्लाई हो गया कि हम इसको सिर्फ कंपैरेटिव कर सकते हैं। दूसरा रूल कहता है कि अगर एक की तुलना एक से है तो दोनों की जगह अदल बदल होती है। देखो हमने श्याम की जगह राम यूज करिया और राम की जगह श्याम यूज किया, देखो श्याम लास्ट में था या स्टार्टिंग में आ गया, राम स्टार्टिंग में था लास्ट में चला गया, दूसरा रूल फॉलो हो गया। तीसरा रूल कहता है कि अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और अफर्मेटिव है तो आप जब उसको कंपैरेटिव में करेंगे तो कंपैरेटिव में वो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए। ये हमने यहां इसको निगेटिव किया, आई बात समझ में। दूसरे सेंटेंस में देखो दिया गया सेंटेंस निगेटिव है, कैसे पता चला? नॉट की वजह से। और दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, कैसे पता चला? सो फेमस एस की वजह से। सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है लेकिन सेंटेंस निगेटिव है नॉट आने की वजह से। तो यहां पर भी देखो एक की तुलना एक से है, मतलब आप इसको भी सिर्फ कंपैरेटिव में कर सकते हो, सुपरलेटिव नहीं कर सकते। जब आप इसको कंपैरेटिव करोगे तो पहला रूल तो अप्लाई हो गया कि आप इसको कंपैरेटिव कर रहे हो। सेकंड रूल कहता है दोनों की अदल बदल करो। देखो ताजमहल को हमने कुतुब मीनार की जगह रख दिया और कुतुब मीनार को हमने ताजमहल की जगह रख दिया लास्ट में, ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल कहता है कि दिया गया सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में है और सेंटेंस अगर निगेटिव है तो जब आप उसको कंपैरेटिव करते हो तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है। यहां देखो नॉट निकल गया, हमारा सेंटेंस क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। साथ साथ में हमने क्या किया, इसको सो फेमस एज से मोर फेमस देन किया। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव में कर रहे हैं इसलिए हमको एडजेक्टिव को चेंज करना जरूरी होता है। अब आपको समझ में आया? सो फ्रेंड्स ये था हमारा चेंज द डिग्री और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हमने रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस देखे और दो जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश की। दोनों एग्जाम्पल्स पॉजिटिव डिग्री में थे। कल हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो कंपैरेटिव डिग्री में होंगे और देखेंगे कि उनको हम पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग फोर्थ और फिफ्थ रूल के भी एग्जाम्पल्स लेंगे, जिसमें हम एक ही सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी करके देखेंगे। देखेंगे कि अगर दिए गए सेंटेंस में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं तो हम उनको कैसे क्या बाकी की दो डिग्रीज में चेंज कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल ग्रामर गुरु मोहिप चाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग और इंग्लिश के वीडियोस, इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। और प्लीज आप लोग बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है न्यू वीडियोस की वो समय समय पर मिलती रहे। सो इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।